हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। तो दोस्तों, आज हम पूरी रेसिपी बताने वाले हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए और सब आपको बताएंगे। ये वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बनाने वाले हैं चाशनी। तो इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। और 2 ग्लास पानी डालेंगे। तो हम इसे धीमी आंच पे हिलाएंगे। और थोड़ी इलायची डालेंगे। तो हम इसे 10-15 मिनट तक इसे पकने देंगे और ऐसे हिलाते रहेंगे। तो दोस्तों, अपनी चाशनी पक गई है। तो अब हम इसको गैस बंद कर देंगे। तो दोस्तों, ये है गुलाब जामुन का पैकेट, 175 ग्राम आता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और दूध मिला के हम इसे आटा गूंथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो फिर से हम थोड़ा सा घी डालेंगे। तो हमारा आटा बनके तैयार हो चुका है। तो इसको ढक के 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। तो दोस्तों, अपनी 10 मिनट हो चुकी है। कितना अच्छा हो गया है। तो हम भी अब इसे छोटे छोटे बंस बनाएंगे, गोल गोल। ऐसे तो हम
हमारे बॉल बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसको ऑयल में पकाएंगे। तो दोस्तों अभी हम डालेंगे ऑयल। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं ऑयल गर्म हो चुका है या नहीं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे बॉल। और ऐसे हिलाते रहेंगे। हम ऐसे धीरे धीरे इसे हिलाते रहेंगे और गैस थोड़ा कम रखना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। गुलाब जामुन ऑयल में पक गया है। और गैस बंद कर देंगे। तो दोस्तों अब ये तल के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे, भिगो देंगे। अभी इसको थाली से ढक देंगे एक घंटे तक, फिर आपको दिखाते हैं। अभी हमारा गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं। दोस्तों हमारे गुलाब जामुन बनके हो गए तैयार। तो देख रहे हो कितने अच्छे बने हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।